ऐसा समय आ गया है कि लड़कियां अपने घर से अकेले अगर निकल गई हैं और ज्यादा रात हो गई तो माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई है, वो सुरक्षित होगी या नहीं, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा होने लगा है, बहुत ज्यादा तादाद में, कि हर माँ बाप अपनी लड़की को अकेले बाहर भेजने में डरते हैं, छोटी हो या बड़ी, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा डर हो गया है, औरतों के लिए बाहर निकलना सेफ नहीं है, और खास तौर पर रात के समय में, अगर कहीं सुनसान है वहां पर भी वो दिन में नहीं निकल पाती हैं अकेले, एक डर सा बना रहता है, और ये डर खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा डर। लड़की या औरत, हर घर में किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, उसका रिश्ता है, और जिसके घर में ये सब होता है उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, वो एकदम टूट जाता है पूरा परिवार, और इसे सबसे अच्छे तरीके से हम खुद ही रोक सकते हैं। हर वक्त शासन और प्रशासन हमारे साथ मौजूद नहीं रहता और ना ही घर के लोग रहते हैं, सारी चीजें हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं और हम ही पछताते हैं। तो अगर कोई लड़की, सपोज करिए अगर कोई लड़की वहां से अकेले निकल रही है और चार लड़के खड़े हुए हैं और आपस में सबकी ये सहमति बनती है कि आज इस लड़की को मजा चखाना है या कुछ भी, अगर उनमें से, सोचिए आप, अगर उनमें से किसी एक लड़के ने भी इस बात का विरोध कर दिया कि तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, तो वो प्लान वहीं पर कमजोर पड़ जाएगा। एक लड़के का विरोध उन तीन लड़कों पर भारी पड़ जाएगा, और पक्के दावे से मैं ये कहती हूं कि फिर वो चीज रुक जाएगी, होगी ही नहीं। तो अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ हो उसे रोक दीजिए वहीं पर, कोई गलत काम हो उसे वहीं पर रोक दीजिए। आप सोचिए कि उस लड़की को, जो वो उस दिन सुरक्षित घर पहुंच गई, कितनी बड़ी मुसीबतों से वो और उसका परिवार बच गया। अगर ये घटना जो लड़के प्लान बनाते हैं उनके घर में घटती है, उस दर्द दर्द सबका एक जैसा होता है उस दिन, भले वो किसी के लिए ऐसा प्लान बनाते हों, लेकिन यहां पर उनको वही दर्द महसूस होता है जो उस लड़की के लिए उन्होंने बनाया था, उन्हें महसूस हुआ होगा। हर लड़की को एक जैसी तकलीफ ही होती है, उसके परिवार वालों को एक जैसी तकलीफ का अनुभव करना पड़ता है। हमारी सोच एक बड़ी दुर्घटना को टाल देती है, एक लड़की और उसका परिवार दोनों सुरक्षित हो जाते हैं, इसलिए अपनी सोच हमेशा सही रखनी चाहिए। हम जंगल में नहीं रहते, हम समाज के बीच में रहते हैं और हमारे कुछ दायरे होने चाहिए। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर लिख रहे हो कि ये रास्ता किसी औरत को बिस्तर तक लाने का है तो मत लिखो, रुक जाओ। इस तरह की गंभीर घटनाओं को केवल हम अपनी सोच में बदलाव लाकर ही रोक सकते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के और कौन से तरीके हो सकते हैं जो सहजता से लागू किए जा सकें। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।